नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम वाला में। और मैं विकास शुक्ला आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक ऐसा टॉपिक लेके जिसको आप कंप्लीट यहाँ पे कवर कर पाएंगे मैप के माध्यम से, ट्रिकी क्लास और ट्राइबल आर्टिस्ट। तो आपको भी पता है ट्राइब से रिलेटेड अब कितने क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो मोस्ट आईएमपी सेशन है, आखिरी तक बने रहिए। और अभी तक के आपने पुराने लेक्चर्स भी देखे होंगे विकास सर की ट्रिक वाली क्लास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप व्यापम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 100% ये काम की है आपके लिए। अगर आप एमपीपीएससी के लिए काम कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये भी है बहुत काम की क्लास। तो एक क्लास सारे एग्जाम पास, ट्रिकी क्लास बाय विकास सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा सर्व सक्षम बैच है जिसकी फीस अभी मात्र 3,999 है, जो कि कंप्लीट कोर्स है वेस्ट फैकल्टी कंटेंट के साथ। सर्व सुरक्षा वैद्य जो कि वन रक्षक जेल पैरी के लिए है, जिसकी फीस अभी 2,999 जो थी मात्र 999 में आप देखते होंगे। चलिए तो यहां पे जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं फटाफट। ट्राइबल आर्टिस्ट देखने हैं हमें, जनजातीय कलाकार, ट्राइबल आर्टिस्ट या जनजातीय कलाकार। तो चलिए देखते हैं हम जनजातीय कलाकारों को फटाफट। तो एक मैप के माध्यम से हम इसको कवर करेंगे जिसमें पूरे मैप्स में आपको मैं यहां पे चीजों को लिखता जाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां पे गोंड क्षेत्र से। तो आपको पता है कि गोंड पेंटिंग को क्या मिल चुका है, जो गोंड आर्ट है, गोंड पेंटिंग को गोंड आर्ट को क्या मिल चुका है, यहां पर गोंड आर्ट को मिल चुका है सर जी आई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। और गोंड आर्टिस्ट जो है ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के जैसी है, जो गोंड चित्रकारी है सेम वैसे ही चित्रकारी ऑस्ट्रेलिया की जनजाति भी करती है। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो जिसके लिए पठानगढ़ पेंटिंग के नाम से आपको पता होगा, पाटनगढ़ पेंटिंग से स्टार्ट करते हैं हम। पाटनगढ़ पेंटिंग को किसने यहां पर फेमस किया, उनका नाम है जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किससे है, तो ये गोंड जनजाति से है आपको पता होगा। और ये प्रमुख चित्रकार थे। ये पहले क्या करते थे, तो ये चित्रकारी करते थे किसमें, गाय भैंसों के ऊपर चित्र बनाते थे। लोगों ने देखी इनकी कलाकारी और बोला कि भैया ये बहुत ज्यादा यहां पर फेमस है, क्योंकि इतना अच्छा चित्रकारी कोई नहीं बना सकता, तो इनको सबके सामने भी लाया जाए, जो कि पाटनगढ़ क्षेत्र में फेमस थे। तो ये इनका निधन भी टोकामाची जापान में हुआ था, और ये मिथिला संग्रहालय में पेंटिंग बनाने गए थे, उस दौरान इनका निधन हो जाता है। तो ये गोंड चित्रकार हैं। ये चित्रकारों से संबंधित क्लास में आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप सुनते हैं एक और नाम यहां पर, भज्जू श्याम गोंड चित्रकार, ठीक है। और कौन है, रीता श्याम भी आपको देखने को मिलेंगी, एक गोंड चित्रकार हैं रीता श्याम, ये भी गोंड चित्रकार हैं, ठीक है। इसके अलावा दुर्गाबाई व्याम का नाम सुना होगा आपने, किसका नाम सुना होगा, दुर्गाबाई व्याम, ठीक है। दुर्गाबाई व्याम आपको इसी क्षेत्र से संबंधित मिल जाएंगी, दुर्गाबाई व्याम ये गोंड चित्रकार हैं, दुर्गाबाई व्याम पीएससी पूछ चुका है इनको, ये भी एक गोंड चित्रकार। तो हम सारे चित्रकारों को देख रहे हैं। और गोंडों की चित्रकारी को नोहडोरा के नाम से जाना जाता है, नोहडोरा, ठीक है। और इनको बनाने वाले को लिखिंदर कहा जाता है, लिखिंदर भी इनको कहा जाता है जो इस चित्रकारी को करते हैं, ठीक है, डिंडोरी के अंतर्गत। अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ भील चित्रकारों को भी आपको याद रखना है। भील चित्रकारों को अगर हम बात करें तो देखिए भील चित्रकार कौन कौन से प्रमुख रूप से, तो आपने एक नाम सुना होगा प्रेमा फाल्या जी पिठौरा भिट्टी के लिए भी जाने जाते हैं, भित्ति चित्र बनाते थे, और ये झाबुआ से संबंधित हैं, झाबुआ क्षेत्र से, ठीक है। और भी कौन से भील समुदाय से संबंधित हैं, तो देखिए आप भूरी बाई और शांताबाई पद्मश्री हैं, भूरी बाई 2021 में पद्मश्री प्राप्त हैं भील जनजाति से झाबुआ। इसके साथ ही और कौन है यहाँ पे, तो आपको मिलेंगी शांताबाई, भूरी बाई की साथ मिलेंगे आपको शांताबाई, जो कि एक क्या है, भील चित्रकार या
आर्टिस्ट हैं। क्या है बेटा? भील चित्रकार हैं जो कि आर्टिस्ट हैं, भूरी भाई, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद उमरिया की जोधैया भाई बैगा, जोधैया भाई बेगा जी को याद रखना है, जो कि बेगा चित्रकार हैं, ये उमरिया से संबंधित हैं, उमरिया से संबंधित हैं जोधैया भाई बैगा, मोस्ट आईएमपी है जोधैया भाई बेगा फॉर योर एग्जाम। इटली के मिलान शहर तक इनकी चित्रकारी वहां पहुंची है और मिलान के लोगों ने इनको इनकी चित्रकारी को बहुत पसंद किया है, जोधैया भाई बेगा। तो जैसे उनके नाम में है बेगा, तो मतलब ये किस ट्राइब से रिलेटेड है? बेगा, ठीक है, बेगा से संबंधित हैं ये, जिनको हम कह रहे हैं कि जोधैया भाई बेगा। रजनी धुर्वे गोंड चित्रकार, जो कि डिंडोरी की हैं, रजनी धुर्वे गोंड चित्रकार हैं, रजनी धुर्वे भी आपको याद रखना है। रजनी धुर्वे ये भी एक गोंड जनजाति से संबंधित एक प्रमुख चित्रकार हैं, गोंड जनजाति की रजनी धुर्वे, ठीक है। और इनके सबके चित्रों को नोहडोरा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, आनंद श्याम बीरबल सिंह उइके गोंड चित्रकारों में और कौन है? गोंड चित्रकार जो हैं आनंद श्याम, जहां भी श्याम लग जाए आप समझ जाना कि ये क्या है, गोंड जनजाति से संबंधित हैं। आनंद श्याम, छोटी टेकाम नाम से चित्रकार हैं, छोटी टेकाम, ठीक है। तो बहुत सारे इस प्रकार के गोंड चित्रकार आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये तीन लोग प्रमुख रूप से पिठोरा भित्ती के लिए जाने जाते हैं, शांताबाई, भूरीबाई, प्रेमा फाल्या, और उमरिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से आपको जोधैया भाई बेगा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। चलिए, तो ये सारी चीजें, और एक डिंडोरी में सुशीला मरावी जी भी हैं, सुशीला मरावी जो कि एक गोंड चित्रकार हैं, तो और लिख लो एक सुशीला मरावी गोंड चित्रकार हैं, सुशीला मरावी एक गोंड चित्रकार हैं, ध्यान देना है आपको, गोंड आर्टिस्ट या चित्रकार, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख रूप से ट्राइबल आर्टिस्ट जो कि चित्रकला से संबंधित है। इसके अलावा मैं और चित्रकार आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश के और चित्रकार बताता हूं, जैसे यहां पर आपको कौन मिलेंगे, तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे विष्णु चिंचालकर, ये गोंड से संबंधित नहीं है, ये अन्य चित्रकार गोंड भील से संबंधित नहीं है, अन्य चित्रकार है। तो ये विष्णु चिंचालकर का नाम सुना होगा आपने, ये देवास से संबंधित हैं, विष्णु चिंचालकर, इनका उपनाम है गुरुजी। उपनाम क्या है? उपनाम इनका गुरुजी है, ये भी ध्यान देना साथ में आपको, विष्णु चिंचालकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नारायण श्रीधर बेंद्रे, तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जी की अगर मैं बात करूं, तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो हैं, ये कहां से संबंधित हैं? सर, इंदौर से संबंधित हैं और एक प्रमुख चित्रकार हैं, ठीक है, नारायण श्रीधर बेंद्रे। देव्यानी कृष्ण जो हैं, होलकर वंशीय हैं, ये क्या हैं? होलकर वंशीय एक प्रमुख चित्रकार हैं और इंदौर की हैं, होलकर वंशीय हैं ये, और ये इंदौर से संबंधित हैं, कहां से हैं? इंदौर से संबंधित आपको देखने को मिलेंगी। धार के एक प्रमुख चित्रकार हैं, धार में कौन है? तो वो है डीडी देवलालीकर, ये कहां के हैं सर? तो ये हैं धार जिले से संबंधित, डीडी देवलालीकर, और इनको मध्य प्रदेश की चित्रकला का पित्त पुरुष कहा जाता है, ठीक है। ये हैं डीडी देवलालीकर जी, विष्णु चिंचालकर, ठीक है, नारायण श्रीधर बेंद्रे, वाजिद खान नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, वाजिद खान जी का नाम सुना होगा आपने, और ये हैं नाखून पेंटिंग, तो ये भी एक आर्टिस्ट है, नाखून पेंटिंग, या इनको बोल सकते हैं आप कीलों की कला,
कीलों की कला, कीलों की कला, कीलों से ये आर्ट आर्ट बनाते हैं, कीलों की कला, कीलों की कला आपको याद रखनी है। ये मंदसौर से रिलेटेड है, मंदसौर, वाजिद खान, मोस्ट आईएमपी आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, वाजिद खान, नाखून पेंटिंग, ठीक है। इसके अलावा इंदौर में एक और नाम लिख लो, प्रभु जोशी, प्रभु जोशी भी आपको याद रखने हैं, प्रभु जोशी, ये इंदौर के एक चित्रकार हैं, कहाँ के, इंदौर, इंदौर जिले के एक चित्रकार हैं, प्रभु जोशी चित्रकार, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है फड़के स्टूडियो, ये भी आर्ट से संबंधित है, ये मूर्तियों से संबंधित है, फड़के स्टूडियो, फड़के स्टूडियो, यहां पर आपको क्या मिलेगा, तो धार के अंतर्गत ये मिलेगा, रघुनाथ कृष्ण फड़के जी का स्टूडियो है, जहां पर सुंदर सुंदर मूर्तियां महापुरुषों की बनवाई जाती हैं, रघुनाथ कृष्ण फड़के, रघुनाथ कृष्ण फड़के, ठीक है, रघुनाथ कृष्ण फड़के। इसके बाद आपको और जो ध्यान रखना है, प्रभात रॉय स्टूडियो, प्रभात रॉय, प्रभात रॉय स्टूडियो कहां पर है, तो ये भी इसी प्रकार का एक स्टूडियो है जहां पर मूर्तियां बनाई जाती हैं ग्वालियर के अंतर्गत, और प्रभात रॉय जी ही हैं वो जो इन मूर्तियों को बनाते हैं। तो ये प्रमुख आर्टिस्ट आपको ध्यान ही रखने हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है, ग्वालियर के अंतर्गत है प्रभात रॉय स्टूडियो, प्रभात रॉय स्टूडियो और फड़के स्टूडियो धार, ठीक है। इसके अलावा बाघ के प्रिंट धार का भी एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है यूसुफ बिलाल खत्री, यूसुफ बिलाल खत्री किसके लिए जाने जाते हैं, ये सम्मानित है राष्ट्रीय स्तर पर, यूसुफ बिलाल खत्री, और यूसुफ बिलाल खत्री जी को किसके लिए जाना जाता है, तो यूसुफ बिलाल खत्री जी को बाघ के प्रिंट के लिए जाना जाता है, बाघ के प्रिंट, और बाघ के प्रिंट कहां पर है, तो ये धार जिले में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, जो कि आपको आज मैंने यहां पे सारे लगभग बता दिए, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो भील जनजाति संबंधित चित्रकार हैं, जिनकी चित्रकारी को पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, पिथौरा भित्ति जो कहलाती है, पिथौरा भित्ति, जबकि यहां पर आप देखेंगे इस तरफ तो एक ये बैगा चित्रकार हैं जो कि मोस्ट आईएमपी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एमपीपीएससी में पूछे हुए जनगढ़ सिंह श्याम, भज्जू श्याम, रीता श्याम, रजनी धुर्वे और दुर्गा भाई व्याम जो मैं बोल रहा था वो एमपीपीएससी में पूछी जा चुकी हैं। इनके चित्रकारों को नोडोरा कहा जाता है और लखिंदर इनके चित्र बनाने वाले होते हैं। गोंड आर्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है। तो चलिए ट्राइबल आर्टिस्ट के साथ जो अदर आर्टिस्ट हैं मध्य प्रदेश के, वो हमने इस लेक्चर में कवर किए। इसी प्रकार का वीडियो और चाहते हैं जिसमें मैं मैप के माध्यम से सारी चीजें आपको डिस्कस कर दूं, तो आप सभी को कमेंट करना है और बताना है कि कैसी लगती है ये क्लास। तो सभी लोगों से शुक्रिया, धन्यवाद सभी लोगों का, और ये की बात बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर आप सभी इस क्लास को जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी हमारी ये क्लास। तो मैं विकास शुक्ला, एमपी जीकेवाई विकास सर की क्लास में आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।